हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका कोच आकाश सिंह। सो गाइस, बेसिकली आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है एसईओ टिप्स, मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टिप्स। अगर आपकी वेबसाइट है, आपका ब्लॉग है, आपका आर्टिकल है और उस पर आप अगर आप एसईओ कर रहे हो, तो आप एसईओ करते समय ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपको हमेशा फोकस करने चाहिए। खासकर एसईओ दो तरीके से होता है, पहला होता है बिगिनिंग लेवल का, दूसरा होता है एडवांस लेवल का। बेसिकली बिगिनिंग लेवल का जो एसईओ होता है सब लोग जानते हैं किस तरह करना है, किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, लेकिन जो एडवांस लेवल का एसईओ होता है बेसिकली बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स लेके आया हूं जो कि पूरे एडवांस लेवल के हैं। आप अपनी वेबसाइट पर, अपने आर्टिकल पर अगर इन सब टिप्स को फॉलो करोगे, इन सब टिप्स को अप्लाई करोगे, तो मैं कहता हूं आपका आर्टिकल 100 to 1% रैंक करेगा गूगल के फर्स्ट पेज के फर्स्ट पोजीशन पे। बिकॉज ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने पर्सनली यूज किया हुआ अपने वेबसाइट पर, अपने ब्लॉग पर, और तब जाकर आपको यूज करके बता रहा हूं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं। और हाँ, अगर आपको नहीं पता है कि मैंने एसईओ के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर। अगर आपने ये सब अभी तक नहीं देखा है, सही तरीके से नहीं समझा है मेरी एसईओ की वीडियो को, तो पहले आप जाके इन सब वीडियोस को भी देखिए, बिकॉज आपको मेरी हर एसईओ की वीडियो में एक नई चीज मिलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि यार एसईओ में क्या ये भी होता है, और उससे अपने ब्लॉग को एक मजबूती दे पाएंगे और आगे के लिए रैंक करा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं और एसईओ टिप्स को बारीकी समझते हैं, एसईओ टिप्स को सही तरीके से एनालाइज करके आपको समझाता हूं कि आप किस तरह उस एसईओ का यूज कर सकते हो और अपने आर्टिकल को, ब्लॉग को रैंक कर सकते हो। लेकिन अपनी वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे दो छोटी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहली, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज ऐसे डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एसईओ से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। और साथ ही साथ अगर आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और ऐसी इन्फॉर्मेशन को लेकर मैं वहां भी आता रहता हूं। तो चलिए चालू करते हैं। हमारा सबसे पहले एसईओ टिप आता है रैंक फॉर फीचर्ड स्निपेट। अगर मैं फीचर्ड स्निपेट की बात करूं तो इसे हम लोग जीरो पोजीशन के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप मेरे बगल में देख रहे होंगे, यहां पर एक आर्टिकल शो के आ रहा है, ठीक है। अगर मैं गूगल पे कोई भी कीवर्ड शो करता हूं और इस टाइप की चीजें आती हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं फीचर्ड स्निपेट। बेसिकली अगर मैं फीचर्ड स्निपेट की बात करूं तो आपकी वेबसाइट के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज होती है, क्योंकि अगर आप फीचर्ड स्निपेट पे रैंक करते हो तो इसका मतलब आप फर्स्ट पोजीशन पर रैंक नहीं करते हो, आप जीरो पोजीशन पर रैंक करते हो। और जब आप कोई कीवर्ड कोई बंदा सर्च करेगा और आपका आर्टिकल जीरो पोजीशन पर दिखेगा, तो वहां पर ट्रैफिक आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब जहां पर आपके आर्टिकल पर 10% ट्रैफिक आ रहा है और उसी अकॉर्डिंग आप जीरो पर रैंक करते हो, तो वो आर्टिकल का जो ट्रैफिक आने का रेशियो होता है वो 10% से बढ़कर 50% तक हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक फीचर्ड स्निपेट को रैंक करने का कितना वैल्यूएबल तरीका है। अब मैं बताऊंगा आपको बेसिकली फीचर्ड स्निपेट कितने तरीके का होता है। फीचर्ड स्निपेट दो तरीके का होता है। पहला हमारा होता है पैराग्राफ वाले फीचर्ड स्निपेट, दूसरे हमारे होते हैं पॉइंट वाइज वाले फीचर्ड स्निपेट। अब मैं समझाता हूं आपको जो पैराग्राफ फीचर्ड स्निपेट होता है वो क्या होता है। पैराग्राफ फीचर्ड स्निपेट का मतलब होता है आप जब भी कुछ गूगल पर सर्च करते हो तो थोड़ा नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आता है पीपल आल्सो आस्क, वहां पर चार पांच तरीके के आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर। अब बेसिकली क्या होता है, आप अगर इन सब क्वेश्चंस को अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखते हो और इसका आंसर देते हो एज अ पैराग्राफ वाइज के अकॉर्डिंग, तो आपके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि जब कोई बंदा इन सब क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन सर्च करता है गूगल पे, तो आपका जो आंसर है, आपका जो आर्टिकल है, वो फीचर्ड स्निपेट के अकॉर्डिंग रैंक करने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर मैं पॉइंट वाइज वाले फीचर्ड स्निपेट की बात करूं तो बेसिकली आपको इसमें यह करना पड़ता है, आपको अपना आर्टिकल पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है। फोकस करना यह होता है कि आपको अपना आर्टिकल हेडिंग वाइज लिखें, जिससे क्या होगा आपका आर्टिकल एक स्ट्रक्चर में आएगा, लोग सही तरीके से समझ पाएंगे, और कोई बंदा अगर वो टॉपिक सर्च करेगा तो बहुत सारे चांसेस आपके हो जाते हैं कि आप एक पॉइंट वाइज वाले फीचर स्निपेट पर जाकर रैंक कर जाओ। और जैसा कि आप जानते हैं दोनों फीचर स्निपेट का जो पोजीशन होती है वो होती है जीरो। मतलब कोई बंदा अगर कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहा है और आपने जिस तरह मैंने बताया उस तरह आप आर्टिकल लिख रहे हो, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं आपके पास ट्रैफिक अच्छे खासे आने के। अगर आपको पैराग्राफ वाले फीचर स्निपेट पर रैंक करना है तो सिंपली जिस कीवर्ड पर आप आर्टिकल लिख रहे हो उस कीवर्ड पर गूगल पर सर्च करो। सर्च करने के बाद थोड़ा नीचे आओ, वहां पर ऑप्शन आएगा पीपल आल्सो आस्क का, वहां पर जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को उठा के अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखो और उनका चार चार पांच पांच लाइन का आंसर दो। इससे क्या होगा, फ्यूचर में जब आप आर्टिकल रैंक करने लगेगा तो साथ ही साथ जब कोई बंदा इन सब क्वेश्चन को सर्च करेगा तो आपका आर्टिकल भी टॉप में आएगा, आप जीरो पोजिशन मतलब फीचर्ड स्निपेट पर रैंक करोगे। इसी तरह अगर आप टेबल वाइज मतलब पॉइंट वाइज वाले फीचर स्निपेट पर रैंक करना चाहते हो तो स्पेशली अपने आर्टिकल को पॉइंट वाइज लिखना सीखो।
ठीक है, हेडिंग को ज्यादा महत्व दो, मतलब जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो कोशिश करो अपने आर्टिकल में 2 से 3 हेडिंग रखो, 4 से 5 पॉइंट रखो। इससे क्या होगा, आपके आर्टिकल के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं पॉइंट वाइज वाले फीचर डिस्क्रिप्शन पे। इस तरह से मैंने बताया था कि इससे आपका जो ट्रैफिक का रेशियो है वो 10% से बढ़कर 50% तक हो सकता है। सो ये हमारा पहला तरीका था, आपका ये पहला एसईओ टिप था जिससे आप इजीली अपने वेबसाइट का आर्टिकल रैंक करा सकते हो, अपने वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा सकते हो, और जब ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो एडसेंस से अर्निंग होने वाली है, एफिलिएट मार्केटिंग से जो अर्निंग होने वाली है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब हमारा दूसरा एसईओ टिप आता है, फोकस ऑन सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट का मतलब होता है अपने कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है, कि बेसिकली आपको उन सब कीवर्ड्स पर आर्टिकल लिखना है जिस कीवर्ड को लोग एक्चुअल में सर्च कर रहे हैं, क्योंकि जब लोग वो कीवर्ड सर्च करेंगे तभी आपका आर्टिकल शो होगा, तभी आपके पास ट्रैफिक आएगा। अगर ऐसा मान लीजिए आपने किसी भी आलतू फालतू कीवर्ड पर आर्टिकल लिख दिया और उस कीवर्ड पर कोई सर्च ही नहीं कर रहा तो आपका ट्रैफिक कहां से आएगा, आपका ब्लॉग वेस्ट जाएगा, आपकी वेबसाइट है वो वेस्ट जाएगी। तो बेसिकली आपको फोकस करना है कि सही तरीके से मुझे कीवर्ड रिसर्च करना है, सही तरीके से मुझे कीवर्ड का यूज करके अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करना है, देन सही तरीके से मुझे आर्टिकल पब्लिश करना है। अगर आपको नहीं पता कि आप फ्री में किस तरह कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं तो मैंने स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको आई बटन पर दिख रहा होगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि आप फ्री में किस तरह कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बेसिकली सर्च इंटेंट को करने के लिए आपको सही तरीके से कुछ चीजों को देखना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि हम जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो 2 लोग को पहले समझ में आए, पहले तो गूगल, दूसरा तो जो बंदा यूजर आपको सर्च कर रहा है उसको। अब जैसे मान लीजिए गूगल, ठीक है, गूगल एक मशीन है, अब उसे क्या पता कि उसे किस तरह का आर्टिकल शो करना है, लोग जो सर्च करेंगे कीवर्ड, अगर वही कीवर्ड किसी वेबसाइट पर उसको मैचिंग मिलेगा तो उसी तरीके का आर्टिकल शो करेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं गूगल पर गया, मैंने सर्च किया हाउ टू मेक मैगी, अब जैसे मान लीजिए आपने आर्टिकल लिखा हुआ है हाउ टू मेक मैगी, आपने जो टाइटल डाला है तो भाई गूगल आपको ही प्रेफरेंस देगा, आपको ही दिखाएगा, बिकॉज गूगल को क्या लग रहा है, वो तो मशीन है, वो तो समझ गई भाई जो मैं सर्च कर रहा हूं उसका आर्टिकल आपके पास है, मतलब उसने मुझे दिखा दिया और मैं सेटिस्फाई हो गया। अब इसी तरह मान लीजिए किसी ने यहां पर सर्च किया बाई मैगी ऑनलाइन, मतलब मैं ऑनलाइन मैगी खरीदना चाहता हूं, तो भाई ये जो टाइटल है ये जिस वेबसाइट पर होगा तो गूगल उसको दिखाएगा। इससे क्या होगा, गूगल आइडेंटिफाई कर पाता है आपका सर्च इंटेंट, कि बेसिकली जो हमारे पास यूजर आ रहा है वो क्या सर्च करने जा रहा है, और वो जो सर्च करने जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल हैं। मतलब अगर वो हाउ टू मेक मैगी सर्च कर रहा है तो वो देखेगा भाई हमारे पास कौन कौन वेबसाइट है जिनका टाइटल हाउ टू मेक मैगी से रिलेटेड है। अगर वो सर्च कर रहा है बाई मैगी ऑनलाइन तो वो देखिएगा कि मैगी को ऑनलाइन परचेज कर जो खरीदने वाला है उससे रिलेटेड कौन सी वेबसाइट है, कौन कौन सा आर्टिकल है। तो इस तरह जो होता है गूगल अपने यूजर को दिखाता है। तो इसी तरह आपको भी समझना है कि बेसिकली आपको कीवर्ड के हिसाब से चलना है, जो कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं आपको उन्हीं कीवर्ड को अपने आर्टिकल में पुट करना है, अपने टाइटल में पुट करना है और सही तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करना है कि जब कोई बंदा सर्च करे तो गूगल उसको रिजल्ट दिखाए, आपके पास ट्रैफिक आए और साथ ही साथ आप उससे अर्निंग कर पाओ। तो ये मेरा दूसरा एसईओ टिप था जो कि बहुत ही एडवांस लेवल का था और शायद ही कोई पूरे यूट्यूब पे आपको ये सब तरीके का टिप बताए। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे एसईओ टिप की ओर। अब हमारा तीसरा एसईओ टिप आता है, राइट गुड टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। आपका एक अच्छा टाइटल और आपका मेटा डिस्क्रिप्शन ही डिसाइड करता है कि आपकी वेबसाइट पर आके कौन क्लिक करेगा और कौन क्लिक नहीं करेगा। आपका अगर टाइटल आपके कीवर्ड से नहीं मिलेगा तो बंदा कभी भी आपके आर्टिकल पे क्लिक नहीं करेगा, आपके उस पर क्लिक नहीं करेगा। अगर वो जिस कीवर्ड पर सर्च कर रहा है अगर वही कीवर्ड आपके आर्टिकल में मिलेगा, आपके टाइटल में मिलेगा, तभी जाके वो आपके वेबसाइट पर आके क्लिक करेगा और आपके पास ट्रैफिक आएगा। अब बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि एक गुड टाइटल को लिखने के लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो हमको इंक्लूड करना पड़ता है अपना टारगेट कीवर्ड, कि बेसिकली जिस कीवर्ड पर हम अपना आर्टिकल लिखने जा रहे हैं उस कीवर्ड को अपने टाइटल में हम 100% to 1% रखें, तभी तो गूगल हमें समझ पाएगा कि हमारा आर्टिकल किसके ऊपर है, तभी तो जो यूजर आने वाला है वो समझ पाएगा कि हमारा आर्टिकल किसके ऊपर है और हम इसके वेबसाइट पर जाकर आर्टिकल पढ़ें। दूसरा इसमें हमारा आता है कि जो आप कीवर्ड को इंक्लूड करने वाले हो वो आपके सर्च इंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब अगर आप जिसके ऊपर आर्टिकल लिखने जा रहे हो वो टाइटल से आपके इंटर रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइटल कुछ और है और अंदर आर्टिकल कुछ और है, ये जो चीजें होती है मिसमैच करेगा, आपके आर्टिकल को हार्मफुल करेगा। अब तीसरी चीज हमारी ये आती है कि आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है
कि आप जो कीवर्ड अपने टाइटल में लिखने वाले हो उसको बार बार दोहराना मत, क्योंकि जब बार बार दोहराओगे तो उसे हम लोग कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। इससे क्या होता है, गूगल को लगता है कि आप कुछ मतलब ब्लैक हैट चीजें कर रहे हो, गलत चीजें कर रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे जल्दी रैंकिंग मिल जाए। आपको रैंकिंग मिल तो जाएगी इस तरीके से, लेकिन आप बहुत जल्दी डिसरैंक भी हो जाओगे। तो फोकस ये करना कि अपने जो कीवर्ड पर आर्टिकल लिखने जा रहे हो अपने टाइटल पे एक ही बार उस कीवर्ड का यूज करना। अब इसी में हमारा दूसरी चीज आती है मेटा डिस्क्रिप्शन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मेटा डिस्क्रिप्शन हमारा डिसाइड करता है कि हमारे वेबसाइट पर कौन आएगा या फिर कौन नहीं। बिकॉज ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो कि पहले हमारे टाइटल के बाद पढ़ते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, तभी हमारी वेबसाइट पर एंट्री लेते हैं। और आपको अगर नहीं पता कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो बगल में इमेज में आपको दिख रहा होगा कि टाइटल के नीचे जो चीजें लिखी रहती हैं वो हमारी होती हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन को किस तरह हम ऑप्टिमाइज करें कि हमारा आर्टिकल अच्छे तरीके से रैंक करे। सबसे पहले इसमें देखना पड़ता है आपको, जो आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो वो कीवर्ड आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में है कि नहीं। अगर आप ब्लॉगिंग के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है ब्लॉगिंग आपके टाइटल में होगा, तो ब्लॉगिंग को ही आपको अपने कीवर्ड जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी इंक्लूड करना होगा। दूसरी चीज आपको ये देखनी पड़ेगी, जो आप आर्टिकल लिखने जा रहे हो वहां पर जो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने जा रहे हो वो कैसा लिख रहे हो। मतलब अगर आप ब्लॉगिंग के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो तो थोड़ी बहुत जो समरी आप उसमें लिखोगे वो ब्लॉगिंग से ही रिलेटेड लिखोगे। और साथ ही साथ एक चीज और देखनी होती है कि जो चीजें आप वहां लिखने जा रहे हो वो एकदम यूनिक होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप कहीं से कॉपी कर रहे हो, अगर आपके पास कॉपी करोगे तो आपके पास कॉपीराइट होगा और आपका आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं करेगा। तो फोकस ये करना कि अपने कीवर्ड को इंक्लूड करना, यूनिक एक तरह का समरी लिखना, जिससे कि आपका मेटा डिस्क्रिप्शन भी सही तरीके से ऑप्टिमाइज हो और आपका आर्टिकल रैंक हो। तो हमारा तीसरा ये एसईओ टिप था जिसे मैंने आपको बताया कि आप अपने टाइटल को किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है उसको किस तरह ऑप्टिमाइज करके अपने आर्टिकल को एक वेल स्ट्रक्चर में लाके रैंक करा सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे एसईओ टिप की ओर। अब हमारा चौथा एसईओ टिप आता है ऑप्टिमाइज योर पेज स्पीड। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमारा वेबसाइट की जो पेज स्पीड होती है बहुत बड़ी एसईओ की एल्गोरिदम होती है, बहुत बड़ी एसईओ का एक फैक्टर होता है। अगर आपकी वेबसाइट की जो पेज स्पीड है वो बहुत बेकार होगी तो आप कभी भी रैंकिंग नहीं पा पाओगे। मतलब जितनी अच्छी आपकी वेबसाइट की स्पीड होगी उतनी अच्छी आपकी रैंकिंग होगी, और जितनी बेकार आपकी वेबसाइट की स्पीड होगी उतनी बेकार आपकी रैंकिंग होगी। तो फोकस आपको ये करना है कि किसी भी तरह अपनी वेबसाइट की जो स्पीड हो उसको इंप्रूव करो। वेबसाइट की स्पीड को जो इंप्रूव करने के लिए सबसे बढ़िया फैक्टर ये होता है कि आप अपनी जो होस्टिंग है उसको सही तरीके से चुनिए। मतलब बेस्ट वाली होस्टिंग चुनिए जिससे कि आपके पास अच्छी खासी स्पीड आए और आप अच्छी खासी रैंकिंग पाओ। अगर मैं रिकमेंड करूं तो बेसिकली मैंने जो होस्टिंग यूज की है उसका नाम है होस्टिंगर। होस्टिंगर इतनी बेहतरीन होस्टिंग है जो कि अगर आप यूज करोगे अपनी वेबसाइट के लिए तो मैं दावा करता हूं आपको कभी निराशा नहीं होगी। इतना अच्छा खासा उनका सपोर्ट है, इतने अच्छे खासे उनका पेज स्पीड है कि मैं क्या बताऊं आपको। जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आप उसका अंदाजा नहीं होगा। अगर आप होस्टिंग खरीदने का सोच रहे हो, वेबसाइट बिल्ड करने का सोच रहे हो, तो आप जाके होस्टिंगर से जाके जो होस्टिंग का परचेज करिए। मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उसको मतलब परचेज करने का सोच रहे हो तो आप इजिली जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर क्लिक करिए और होस्टिंगर की होस्टिंग खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आपकी वेबसाइट अभी प्रेजेंट टाइम पे है और आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करनी है कि आपकी वेबसाइट किस तरह परफॉर्म कर रही है, तो जीटी मैट्रिक्स एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल के चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की बेसिकली स्पीड क्या है, वेबसाइट आपकी अपग्रेड जा रही है या फिर वेबसाइट आपकी डाउनग्रेड जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं कि वेबसाइट की जो स्पीड आपकी होती है वो क्यों कम हो जाती है, जिसमें हमारा पहला चीज आता है कि पहली बात तो आपकी होस्टिंग खराब होती है। अगर आपकी होस्टिंग खराब होगी जाहिर सी बात है आपकी जो वेबसाइट है वो डाउन हो जाएगी। दूसरी बात ये होती है कि जो आप अपनी इमेज अपलोड करते हो उसका साइज बहुत बड़ा होता है, जिससे क्या होता है वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बहुत कम हो जाती, मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है। लोग अगर वेबसाइट पे क्लिक कर रहा है तो वेबसाइट जल्दी खुलती नहीं है। आपको अपनी जो वेबसाइट की जो इमेज है उसको कंप्रेस करके वहां पर इंस्टॉल करना चाहिए, कंप्रेस करके अपने ब्लॉग पोस्ट पर लगाना चाहिए। इसके लिए आप इजिली टिनी पीएनजी करके एक प्लगइन आता है उसको इंस्टॉल करिए अपनी वेबसाइट पर, तब जाकर आप इजिली अपने इमेज को कंप्रेस कर पाएंगे और अपने वेबसाइट की स्पीड को स्टेबल कर पाएंगे। अब हमारी तीसरी चीज में ये आती है कि जो आपके पास अननेसेसरी प्लगइन्स हैं, मतलब जो आपने फालतू के प्लगइन्स को इंस्टॉल किए होते हैं उन प्लगइन्स को जल्दी जल्दी हटा दीजिए, इससे भी आपके वेबसाइट की स्पीड को हार्म होता है। तो बेसिकली वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ा एसईओ फैक्टर होता है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं।
और साथ ही साथ मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि जैसे भी हो आप एक अच्छी होस्टिंग चुनिए अपनी वेबसाइट के लिए, और जो फालतू की चीजें आपकी वेबसाइट पर है उसको रिमूव करके अपने स्पीड को इम्प्रूव करके इजीली तरीके से ग्रो करिए। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें एसईओ टिप की ओर। अब हमारा पांचवा एसईओ टिप आता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जो भी आर्टिकल लिख रहे हो किसी भी वेबसाइट पर लिख रहे हो तो सबसे पहले लिखने के बाद उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कोरा, ऐसे और भी ट्विटर, ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यहां पर जाकर जरूर शेयर करें। बिकॉज जब यहां जाकर शेयर करेंगे तो आपके पास यहां से भी ट्रैफिक आएगा, और जब यहां से ट्रैफिक आएगा तो गूगल को क्या लगेगा, भाई ये एक आर्टिकल है, इसके पास इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक आ रहे हैं, मतलब ये आर्टिकल एक ट्रस्टवर्दी आर्टिकल है, इस आर्टिकल को हमें रैंकिंग देनी चाहिए ताकि जो ऑर्गेनिक यूजर्स आएंगे वो भी इस आर्टिकल को क्लिक करेंगे तो उनको भी पसंद आएगा। तो मेरा आपसे यही रिकमेंडेशन है कि तो कोशिश करिए अपने आर्टिकल को फेसबुक पर शेयर करिए, फेसबुक में अपने टॉपिक से रिलेटेड उन ग्रुप्स को शेयर करिए, उस ग्रुप में ज्वाइन होकर अपने आर्टिकल को शेयर करिए। कोशिश करिए इंस्टाग्राम का अपना पेज बिल्ड करिए, इससे क्या होगा आपके पास जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स होंगे वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से सीधे आपकी वेबसाइट पर आएंगे अगर आप उनको वहां से वहां ट्रांसफर करना चाहते हो तो। अपना ट्विटर पे मतलब चीजों को शेयर करिए, लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बनाकर लिंक्डइन पे अपना आर्टिकल को शेयर करिए, लिंक्डइन की भी ऑर्गेनिक रीच अच्छी है, इंस्टाग्राम की भी ऑर्गेनिक रीच अच्छी है, फेसबुक पे कहीं जाके कम हो गई है। तो कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके अपने आर्टिकल को आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करने के बाद वहां से भी ट्रैफिक ले सकते हैं। तो बेसिकली ये सब हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप शेयर करेंगे तो आपके आर्टिकल का पहली बात तो रीच बढ़ेगी, आपके आर्टिकल का ट्रस्ट बढ़ेगा, गूगल आपको रैंकिंग देगा और साथ ही साथ आपके पास ट्रैफिक आएगा, जिससे क्या होगा आपकी अर्निंग होगी, आपकी जो वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी भी अच्छी खासी बिल्ड होगी। तो दोस्तों ये हमारे कुछ पांच एसईओ टिप्स थे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपकी वेबसाइट है, आपका आर्टिकल है, आप अच्छे खासे तरीके से उस पर रैंक करना चाहते हो तो आपने अगर इन सब पांच एसईओ टिप्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो शायद ही आप अपने आर्टिकल को रैंक कर पाओ, शायद ही आप अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ा पाओ। मैंने बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनको देखा है कि अपना पेड कोर्स बेच रहे हैं, कोई कहता है एडवांस एसईओ सीख लो, कोई कहता है बिगिनर एसईओ सीख लो, यार होता कुछ नहीं है, होते यही सब सिंपल चीजें लेकिन आपको पता नहीं होता है। आपको यूट्यूब पे क्या है, छोटी छोटी चीजें लोग बता देते हैं और जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उसको रख लेते हैं अपने पेड कोर्स के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज भी है और एक बेकार चीज भी है, लेकिन मेरा काम आपको बताना है तो मैं जितनी भी एसईओ रिलेटेड मेरे पास नॉलेज है आपके सामने शेयर कर सकता हूं। आई होप गाइस आपको मेरा जो एसईओ का ये वीडियो है, एसईओ टिप पे आपको सही तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको एसईओ टिप के बारे में अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं, अपने ब्लॉग को रैंक कराना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज ऐसी वीडियोस के लेकर मैं यहां पर डे आता रहता हूं। थैंक यू सो मच गाइस।